मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस तरह का डिजिटल क्लॉक खुद से किस तरह से बना सकते हैं। इस क्लॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हर 45 सेकंड के बाद आपको टेम्परेचर, डेट और हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है ये सारी चीज़ें बताता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय LCSC.com। LCSC.com चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप प्रोफेशनल पार्ट्स अपने घर बैठे इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, ये वेबसाइट आपको वर्ल्ड वाइड डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपको किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये सारे पार्ट्स हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 4 अदद 2 अदद माइक्रो कंट्रोलर, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का। इस क्लॉक को पावर देने के लिए यहाँ पर आपको एक केबल की पावर केबल की जरूरत पड़ेगी, कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटर, डायोड्स वगैरह और इसकी एक्रेलिक फिटिंग। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स इसके ऊपर मेंशन है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा। यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो 10 किलो ओम की सारी रेजिस्टेंसें लगेंगी, यहाँ पर 330 ओम की सारी रेजिस्टेंसें लगेंगी, यहाँ पर छोटा माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पर बड़ा माइक्रो कंट्रोलर, इसके अलावा यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 4 पीसीज लगेंगे, यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर्स आपने लगाने हैं, यहाँ पर बजर, इसके अलावा पावर की सॉकेट और 3 वोल्ट बैटरी आप लोगों को यहाँ पर लगानी पड़ेगी और इस साइड पर 2 स्विचेस लगाने हैं। हर चीज़ ऊपर मेंशन है। अब इसको असेंबल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप छोटी चीज़ से शुरू करें। छोटी चीज़ से मुराद ये है कि सबसे पहले रेजिस्टेंसें सबसे छोटे साइज़ की होती हैं, तो आपने रेजिस्टेंसों से इसको स्टार्ट करना है। सो मैं सबसे पहले इसके ऊपर 10K की रेजिस्टेंसें लगाऊंगा, फिर 330 वाली, इसके बाद हम बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको लगाएंगे। अब में हम ये माइक्रो कंट्रोलर बड़े साइज के और 7 सेगमेंट्स और ये बाकी चीजें हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम छोटे पार्ट्स से शुरुआत करते हैं। अभी रेजिस्टेंसों को तो हमने सोल्ड कर लिया है, इसके बाद बारी आ जाती है कैपेसिटर्स की और ट्रांजिस्टर्स की। मैं उनको भी लगा देता हूँ। कैपेसिटर्स का आपने नंबर देखकर लगाना है, ये 22 नंबर का कैपेसिटर है। अभी यहाँ पर आईसी की बेस को लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि आईसी का ये जो कट वाला पॉइंट होता है ये इस साइड पे आना चाहिए, जिस तरह से ये बिल्कुल दोनों मैच हो रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा, उल्टा कोई नुकसान होने का अंदेशा है। सो यहाँ पर दोनों साइडों को तसल्ली से चेक कर लें, बाद में सोल्ड करें। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है इस सेगमेंट को लगाने की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक डॉट बार नजर आएगा, मतलब एक नुक्ते का निशान नजर आएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को एक नुक्ते का निशान नजर आ रहा है, इसको आपने डायरेक्टली इसके अंदर लगा देना है। हमने एक को तो फिक्स कर दिया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें इसके साथ इसकी एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलती है जिसके ऊपर ये मेंशन है कि पहला और दूसरा आपने सेम इसी तरह से लगाना है, तीसरा आपने उल्टा आके लगाना है। ये इसलिए है क्योंकि जब आपका क्लॉक चलता है, जब सेकेंड चलते हैं, तो ये वाली 2 LEDs इंडिकेशन ऑन होती हैं। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लगाते, जिस तरह से ये लगे हैं इस तरह से लगा देते हैं, तो फिर ये वाली इंडिकेशन वाली LED सिर्फ एक ही ग्लो होगी, वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं ज़रा इनको जल्दी के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो क्लॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर हमने एक सेल इंसर्ट करना है, दो माइक्रो कंट्रोलर को ऐड करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रो कंट्रोलर को ऐड करते वक्त आपने एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना होता है कि इसकी एक साइड के ऊपर आप लोगों को छोटा सा कट नजर आता है, उस कट को आपने जरूर देखना होता है। समटाइम आप लोगों को इसके अंदर ये आईसीज लगाने में थोड़ा सा मसला आता है, तो उसकी पिनों को आपने थोड़ा सा फोर्स करना है, प्रेस करना है, प्रेस करके इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बड़ा माइक्रो कंट्रोलर है, इसको जब हम फिट करेंगे तो इसको फिट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी क्योंकि इसकी पिनें थोड़ी सी बाहर हैं। सो इसका यही हल है कि इसको आप टेबल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी। अगर इसकी लेग्स टूट गई तो फिर ये बेकार हो जाएगा प्रोजेक्ट सारा। सो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना, बिल्कुल मामूली सा फोर्स करें दोनों साइडों के ऊपर, इसकी पिनें जो है वो क्लोज हो जाएंगी। जब पिनें क्लोज हो जाएंगी तो फिर आप इसको आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। आईसी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर देना, क्योंकि अगर इसके अंदर लूजिंग रहेगी तो आपका क्लॉक ठीक तरह से काम नहीं करेगा। दोनों आईसीओं को अच्छी तरह से प्रेस कर दें। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने इस क्लॉक को तो कम्प्लीट कर लिया है, आईसी वगैरह लगा लिया, बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करना आसान है, सिंपली आपने ये जो सॉकेट है इसके अंदर इसको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है। कोई भी मोबाइल का अडॉप्टर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 5 वोल्ट का अडॉप्टर यूज कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको पावर प्रोवाइड करता हूँ तो इसके ऊपर कुछ रीडिंग्स चलने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये देखें, अब इन दोनों बटन्स की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम डेट वगैरह आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमने इसकी फिटिंग को बनाना है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5:13 शो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है क्योंकि ग्रीन कलर की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अभी बारी आ जाती है इसकी एक्रेलिक फिटिंग को असेंबल करने की। इसके साथ आप लोगों को ये स्क्रूज वगैरह भी देखने को मिलते हैं, इनके ज़रिए आपने इसकी फिटिंग को बनाना है। किस तरीके से बनाना है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक्रेलिक शीट के ऊपर ये जो इसका पेपर लगा हुआ है इसको आपने रिमूव करना है। जल्दी के साथ सभी को रिमूव कर लेता हूँ। अभी दोस्तों एक्रेलिक शीट के ऊपर से हमने सभी पेपर्स को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये ब्लैक कलर का पेपर इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम करने के काम आता है। अभी आप यहाँ पर देखें बिल्कुल क्लियर फोकस हो रहा है, अगर हम इसको उठाते हैं तो फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो इस चीज़ को भी हम इसे एक्रेलिक के अंदर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि इसको किस तरीके से आपने असेंबल करना है इस एक्रेलिक को। जिस शीट के अंदर 300 राख है, नीचे 3 कट्स हैं, ये तो आपका फ्रंट वाली साइड है। इसके बाद जिसके ऊपर वाली साइड पे ये सुराख बना हुआ है, ये आपका टॉप वाला पीस है। इसके बाद ये जिसके 3 कट्स नीचे हैं, 2 पीछे हैं, ये आपका नीचे वाला पीस है। बैक साइड के ऊपर ये लास्ट के ऊपर जो बचता है ये वाला बैक साइड के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद एक साइड पे ये वाला लग जाएगा और एक साइड पे ये वाला लग जाएगा। सो इस तरीके से इसकी असेंबली होगी। ये जो आप लोगों को नट बोल्ट्स नजर आ रहे हैं इनकी मदद से हमने इसको फिक्स करना है। मैं जरा स्पीड के साथ इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। फिटिंग बना लेने के बाद ये जो डिफ्यूजर पेपर है इसको हमने इसके ऊपर लगाकर लास्ट वाला पीस भी इसके ऊपर लगा के इसको फिट कर लेना है। चल जी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्लॉक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। मैं इसको पावर प्लग से इसको जरा ऑन कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ्यूजर लगाने से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है इसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये इसके ऊपर भी क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इसकी सेटिंग को करने की। ऊपर वाले बटन से आप इसकी सिलेक्शन को कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले बटन से आप उसको वेरी कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे इसकी रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर जल्दी के साथ टाइम को सेट कर लेता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2:37 इस वक्त शो कर रहा है, क्योंकि रात के 2:37 हो रहे हैं अभी। अभी ये क्लॉक 45 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली अपने फंक्शन को चेंज करता है। हर 45 सेकंड के बाद ये अपने फंक्शन को चेंज करता है। आप लोगों को ये बताता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। आप अपने रूम के टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। इसके अलावा आप लोगों को ये बताएगा कि आपकी डेट क्या है, आज कौन सा दिन है, हफ्ते का कौन सा दिन है। ये सारी चीज़ें हर 45 सेकंड के बाद ये वाला क्लॉक आपको बताता है। अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ये आपके सामने थोड़ी सी देर तक आपके सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वेरी करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है कि 31 टेम्परेचर है हमारे रूम का इस वक्त। 5 सेकंड का वक्फा होता है। ये सातवां महीना और 11 तारीख है आज। ये हफ्ते का 6वां दिन है आज। इसके बाद दोबारा से फिर ये अपने टाइम के ऊपर आ जाता है।
हर 45 सेकंड के बाद ये आपको इन्फॉर्म करता रहता है। सो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपना कोई भी डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसके ऊपर यहाँ पर फोटो स्विच लगा हुआ है और साथ में इसका टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये वाला सेंसर टेम्परेचर को सेंस करता है, ये वाला जो फोटो स्विच है जो हमने लगाया था इसका काम यह है कि अगर आपके कमरे की ब्राइटनेस कम हो जाती है, मतलब रोशनी बंद हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इस क्लॉक की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। जब आप इसके सामने रोशनी करेंगे या कोई भी LED लाइट आपकी ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली इस क्लॉक की लाइट भी फुल हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अब ये जो इतनी स्पीड के साथ आप लोगों को काम होता हुआ नजर आया था, आप तो यही समझ रहे होंगे कि कैमरा ऑन किया, जस्ट वीडियो शूट की, 10 मिनट लगा के फारिग। यकीन करें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 12 बजे से काम स्टार्ट किया था और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पर बताता चलूं कि प्रोजेक्ट को बनाते वक्त हम पहले खुद एक दफा ट्राई करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर वीडियो शूट करके आपके सामने लेके आते हैं। सो हम इतनी एफर्ट करते हैं, आप दोस्तों का भी ये हक बनता है कि वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में ये हमें जरूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।